मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के दो बड़े नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटाक्ष किया है। शिवराज चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है जो अभी तक वैलिड है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि गाली खानी पड़े, अगर गाली खानी पड़े तो खुद ना खाए दूसरों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिग्विजय को ही दे रखी थी। पहले भी बंटाधार हुआ था और आज भी बंटाधार ही हो रहा है। जब दिग्विजय सिंह सरकार चलाई उस समय जो मध्य प्रदेश की दुर्गति हुई वह जनता को पता है, लेकिन अद्भुत है कांग्रेस और धन्य है इसके नेता जो गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। गौरतलब है कि शिवपुरी में भाजपा से कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं देने के बाद वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से कमलनाथ का दिग्विजय सिंह पर जयवर्धन के कपड़े फाड़ देने वाले बयान का मुद्दा खींचता जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने पहुंचे कमलनाथ ने मंच से दिग्विजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने दिग्विजय को बहुत पहले गाली की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी और यह आज तक वैलिड है।